हे हेलो गाइस, नमस्ते, वेलकम बैक। मेरा नाम है दीपक हिमांशु। एनएएस डीएलएड से एनसी और ट्वेल्थ इम्प्रूवमेंट और भी कुछ क्वेश्चंस को लेकर मैं आप लोग के कमेंट्स जो भी आए हैं उसके बेसिस पर ये वीडियो बना रहा हूँ। तो कुछ क्वेश्चंस जो सिमिलर है उसको मैं एक साथ ले रहा हूँ। पहला दो क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है कि सर, हमारा एनएएस में सारा डेटा सही है और मेरा एनसी था और मैंने उसी टाइम क्लियर कर लिया था। मे बी ये 1-1.5 साल पहले की बात कर रहे हैं। आपको याद होगा ट्वेल्थ इंप्रूवमेंट सर्टिफिकेट अपडेट करने के लिए भी पहले भी आपको एक बार जो है लिंक ओपन हुई थी, तो इन्होंने अपडेट किया होगा उसमें, लेकिन इनका मार्कशीट नहीं आया। एक ये क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है कि एनसी मेरा क्लियर है सर, और मतलब वो श्योर है कि उनका एनसी क्लियर है और मार्कशीट उनका नहीं आया है, मार्कशीट कब तक आएगा? तो ये दोनों ही क्वेश्चन का एक ही जवाब है कि आपने 12th वाला जो इम्प्रूवमेंट पहले सबमिट किया होगा, आपने आपने क्लियर कर लिया, इसका मतलब तो यही है कि आपने 12th इम्प्रूवमेंट कर लिया था, क्योंकि एनसी अब बिना 12th 50% के भी क्लियर हो जाएगा, ये तो अभी नोटिस आई है। लेकिन इसका मतलब ये है कि आपने पहले क्लियर कर लिया है तो आपको सर्टिफिकेट नहीं आया। तो इसमें कोई भी इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है, क्योंकि एनसी का कोई भी क्लियर एजेंडा अभी से पहले तक तो नहीं था। अभी जो नई नोटिस आई है इससे पहले तो नहीं था, तो अभी ही एक फाइनल एजेंडा निकल कर आया है कि अब एनसी का सर्टिफिकेट सबका निर्गत किया जाएगा। तो ऐसे जो बच्चे पहले 12th इंप्रूवमेंट करके एनसी के क्लियर के लिए एलिजिबल हो गए थे, या पहले उन्होंने लास्ट टाइम जो 12th इंप्रूवमेंट अपलोड का लिंक आया था उस टाइम पे अपलोड कर दिया था, उन सभी केसेस को भी अभी जो एक जो नया रूल आया है कि 12th पास के साथ सबका सर्टिफिकेट निर्गत कर दिया जाएगा, तो उसमें ही आपका भी निर्गत किया जाएगा। आप समझ रहे हैं? आपने लास्ट ईयर ही मान लीजिए कि 12th इंप्रूवमेंट कर लिया हो या आपने उसी टाइम अपडेट कर दिया हो तो आपका मार्कशीट नहीं आया। तो ये सारी जितनी भी चीजें हैं एनसी से जुड़ी हुई, वो सारी चीजें अभी निर्गत होंगी, क्योंकि अब उनको इससे कोई मतलब ही नहीं है कि आपने इंप्रूवमेंट किया है कि नहीं किया है। जिनका सबमिट हुआ नहीं हुआ, हर केसेस में एक साथ ही अब सर्टिफिकेट निर्गत होगा। तो जब 12th पास के बाद जो सर्टिफिकेट उन्होंने निर्गत करने की घोषणा कर दी है, ये वाला जो सर्टिफिकेट नेक्स्ट 1 to 2 month के अंदर हम उम्मीद कर रहे हैं निर्गत होगा, इसी टाइम पे आपका भी सर्टिफिकेट निर्गत होगा, चाहे आपने पहले ही क्यों नहीं 12th कर लिया। आप समझ रहे ना? आपने लास्ट ईयर ही 12th क्यों नहीं कर लिया? क्योंकि कोविड के वजह से पिछले 1-2 साल से एक्चुअली भी कुछ नहीं हो रहा था। तो 2020 में भी अगर आपने वो काम किया था तो भी आपका सर्टिफिकेट और जो अब नए रूल के हिसाब से सर्टिफिकेट होगा सारा एक साथ निर्गत होगा। आपको इसमें बिल्कुल भी परेशान होने वाली बात नहीं कि मेरा सर्टिफिकेट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा और आपका सर्टिफिकेट निर्गत हो रहा है। अब एक और क्वेश्चन है कि मैं डीएलएड पास हूं और 12th में जो मेरा मार्क्स है वो कम था, इसलिए मेरा सर्टिफिकेट नहीं मिला था, मुझे सुझाव दीजिए। तो आपको पता ही है आपकी 12th अगर आप सिर्फ पास हैं और मार्क्स कम की वजह से सर्टिफिकेट रुका था, तो आप ही के लिए तो मेनली ये नोटिस आई है कि अब आपको इम्प्रूवमेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपका सर्टिफिकेट डीएलएड का निर्गत कर दिया जाएगा। तो ये सब सर्टिफिकेट, चाहे वो पहले का जिनका पेंडिंग था या अभी का पेंडिंग था, ये सब सर्टिफिकेट अब एक साथ आपको निर्गत किया जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, पहले आपको वो ऑनलाइन दिखेगा, ऑनलाइन आपका जो एनसी लगा हुआ था वो क्लियर दिखेगा और फिर वो सर्टिफिकेट आपके पास पहुंच जाएगा, आपके स्टडी सेंटर पे पहुंच जाएगा। पास जब भी मैं बोलूं तो आपके घर पे नहीं, आपके स्टडी सेंटर पे पहुंच जाएगा। एक क्वेश्चन है कि सर, मैं एससी कैटेगरी से हूँ, 12th में मेरा 43.33% था, ग्रेजुएशन मेरा 50% से अबव उनका है, तो क्या वो सीटेट दे सकते हैं? ऑब्वियसली सीटेट दे सकते हैं। आपको पता है कि अगर आप ग्रेजुएट हैं तो उसके बेसिस पर आप आराम से दे सकते हैं, और 12th भी अगर आप 50% के प्लस हो जाते हैं तो आप 12th बेसिस पे भी दे सकते थे, ग्रेजुएशन के बेसिस पर तो आप दे ही सकते हैं। तो इसमें कोई दो मत नहीं है, सीटेट के लिए आप सब लोग आराम से एलिजिबल हैं। और आप अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो भी है सीटेट का, उसमें किसी के भी अंदर अगर आप फॉल करते हैं तो आप दे सकते हैं। आप आराम से पढ़िए, कॉम्बिनेशन है, 5-6 कॉम्बिनेशन है, किसी भी कॉम्बिनेशन में अगर आप फॉल करते हैं तो आप आराम से दे सकते हैं। उसके बाद देखिए सर, मार्कशीट में एनरोलमेंट नंबर मेरा है और बाकी डिटेल दूसरे का है, हम क्या करें? एक सेम टाइप का एक और क्वेश्चन है कि मार्कशीट में मुझे फोटो चेंज करना है, और तो क्या करना, मार्कशीट जमा करना पड़ेगा क्या? दोनों ही क्वेश्चन का एक ही आंसर है कि अगर आपका किसी भी वजह से, चाहे वो एनआईएस की गलती की वजह से या आपकी खुद की गलती की वजह से, अगर वहां पर कोई भी परेशानी है तो आपको आपका अभी स्टडी सेंटर पर जाने से नहीं होगा,
लास्ट टाइम में करेक्शन करने के लिए मार्कशीट मांगी गई थी एपीडीपीट के साथ, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया भी था। हमारे बिहार के एक हमारे स्टूडेंट ने पूछा भी था इस पर कि सर हमारा अपडेट नहीं मिल रहा है, तो उनके लिए ओपन किया गया था, अभी तो ओपन नहीं है। तो आपको पर्सनली आपके रीजनल सेंटर पर जाना पड़ेगा अपना मार्कशीट, और ध्यान रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, मार्कशीट और वो सारे प्रूफ्स को लेकर जिसको कि आप ठीक कराना चाहते हैं, है ना। जैसे फोटोज आप ठीक कराना चाहते हैं तो कोई फोटो प्रूफ लेकर, या नाम ठीक कराना चाहते हैं तो नाम के प्रूफ लेकर आपको आपके रीजनल सेंटर पर जाना चाहिए। और वहां पर जाके स्टेट का जो आपका नोडल सेंटर है वहां पर जाके आपको बात करना पड़ेगा, वहां पर अपडेट करना पड़ेगा। मेरा रिक्वेस्ट ये है कि एक बार आप फोन पे जरूर अपने नोडल सेंटर पर बात करिएगा, क्योंकि इतना भी प्रोसेस स्ट्रीमलाइन नहीं है प्राइवेट कंपनी जैसा कि आप गए रिसेप्शन पे, आपका वेलकम हुआ, बुलाया, सर सबमिट कर दीजिए ये डॉक्यूमेंट, इतना भी स्ट्रीमलाइन नहीं है। हर स्टेट की अलग अलग व्यवस्था है। तो आप सब लोग अपना जो भी आपका नोडल सेंटर, आप जिस भी स्टेट से हैं वहां पे जाइएगा और क्लियरली पहले फोन पे बात कर लीजिएगा कि सर ये है, मैं आना चाहता हूँ, सबमिट करना चाहता हूँ, तो वो आपको इंस्ट्रक्शन देंगे जैसा भी। और अगर नहीं, अगर आप जा सकते हैं, अगर आप मान लीजिए आपका नोडल सेंटर पास में ही है, तो आप वहां पे भी पता करने चले जाइए, क्योंकि जब भी कोई चीज ज्यादा ऑटोमेटिक नहीं होती है तो फिजिकली जाके उसको ज्यादा क्लियर किया जा सकता है, तो वहां पर जाके ही आपका क्लियर होगा। नोएडा मत जाइएगा, नोएडा जाने से कोई फायदा नहीं है, आपका जो हेड ऑफिस है आपके नोडल सेंटर से ही आपका चीज होगा, नोडल सेंटर से भेजा जाएगा तभी वो आएगा। ये लोग उतना मदद करना चाह नहीं रहे हैं जहां तक मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन होगा। और एक और चीज मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप में से भी बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो इन सभी सवालों में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं अटके होंगे या उसका सोल्यूशन निकाला होगा। अगर आपके पास भी कोई सोल्यूशन है या किसी चीज कोई चीज आपने करवाई है तो आप लोग प्लीज कमेंट में जरूर बताइए, अपने तक नॉलेज मत रखिए ताकि बाकी बच्चे को भी इसका लाभ मिल सके। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।